जी न्यूज पर आज एक ऐसा खुलासा जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा खुलासा जिसे देखकर पूरा देश हिल जाएगा। एक ऐसा खुलासा जो इससे पहले अब तक नहीं हुआ। और ये खुलासा वो शख्स करने जा रहा है जो आज की तारीख में इतना पावरफुल है कि वो आपके चहेते स्टार का करियर बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। ये कोई और नहीं, दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की चयन समिति के चेयरमैन चेतन शर्मा हैं। कौन खेलेगा इंडिया के लिए वो हमने डिसाइड करना है, कौन फ्यूचर है वो हमने डिसाइड करना है। चेतन शर्मा जी मीडिया के खुफिया कैमरे पर ऐसे सच उगलने वाले हैं जो अब तक बीसीसीआई के बिल्डिंग में दबे रहते थे। दोनों को बुला के खड़ा कर दिया, खेलना क्रिकेट के खाने की, हम तो सीधा थे, वो खेलना ही नहीं खेलना, नहीं खेलना, ओके थैंक यू वी डोंट नीड यू। आज चेतन शर्मा बताएंगे कि टीम इंडिया में फर्जी फिटनेस का इंजेक्शन वाला खेल कैसे खेला जा रहा है। आज चेतन शर्मा ये भी बताएंगे कि वनडे टीम से विराट कोहली की कप्तानी किसने और किस तरह छीनी। सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच विवाद की असली वजह जिससे दुनिया अब तक अनजान है, अंदर खाने की पूरी बात आज खुद चेतन शर्मा बताने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, दो ईगो क्लैश है। टीम इंडिया में आपके पसंदीदा खिलाड़ियों को ड्रॉप करने के स्क्रिप्ट कौन लिखता है और बीसीसीआई से लेकर टीम इंडिया तक वो कौन है जिसके बारे में चेतन शर्मा का दावा है कि वो कितनों को डुबा कर ले जाएगा। कुल प्लेयर जगह छोड़ना नहीं चाहता, उनको पता है कोई आया तो मैं बता रहा हूं, अगर उसने कुछ कर दिया था अच्छा दो साल वेट करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया। दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि ये बात होने वाली है क्रिकेट की, वो भी भारतीय क्रिकेट की। देश का, दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड हमारा देश का बीसीसीआई है। ऐसे में हमने बताया आज भारतीय क्रिकेट में सबसे अहम फैसले लेने वाला चेहरा जी न्यूज पर है, दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की चयन समिति के चेयरमैन चेतन शर्मा ने जी मीडिया के खुफिया कैमरे पर कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसके बाद सिर्फ बीसीसीआई ही नहीं क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था आईसीसी तक हड़कंप मचना तय है। ऐसे खुलासे जो टीम इंडिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को बेनकाब कर देंगे, ऐसे खुलासे जिसे देखने के बाद करोड़ों क्रिकेट प्रेमी खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि जिस क्रिकेट से, जिस टीम इंडिया से, जिन खिलाड़ियों से आप इतना प्यार करते हैं, जिन्हें आप सराखों पर सजाते हैं, वो किस तरह अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ छल कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और इस खुलासे के जरिए पहली बार आपको पता चलेगा कि टीम इंडिया में कैसे फिटनेस हासिल करने के लिए इंजेक्शन वाला खेल खेला जा रहा है, इंजेक्शन वाला खेल। और पहली बार दुनिया के सामने ये सच आएगा कि बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स की इंजेक्शन वाली फिटनेस पर क्यों बीसीसीआई जानबूझकर अनजान बनी है। पहली बार आज आप जानेंगे कि बोर्ड बनाम कप्तान की जो ये लड़ाई है, यानी सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच हुए विवाद में आखिर झूठ कौन बोल रहा था। पहली बार आपको ये भी पता चलेगा कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे आपके पसंदीदा क्रिकेटर्स चीफ सेलेक्टर को किस तरह खुश करते हैं।
और पहली बार आप ये समझ पाएंगे कि कैसे ब्रेक के नाम पर यानी आराम के नाम पर बड़े बड़े खिलाड़ियों को टीम से हटाने का प्लान तैयार किया गया है। हम दिखाने जा रहे हैं आपको गेम ओवर। खुलासे से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम की जरूरत क्यों थी। दरअसल टीम इंडिया पिछले कुछ समय से लगातार बड़े खिलाड़ियों की इंजरी यानी चोट से जूझ रही है। हर बड़ी सीरीज में कोई ना कोई बड़ा प्लेयर चोट की वजह से नहीं खेल पाता। कभी बुमराह चोटिल हो जाते हैं तो कभी रोहित शर्मा, कभी रविंद्र जडेजा चोट की वजह से लंबे समय के लिए क्रिकेट से दूर रहते हैं तो कभी श्रेयस अय्यर चोटिल हो जाते हैं। हमारी कोशिश ये जानने की थी कि आखिर इंजरी यानी चोट की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम टीम इंडिया में क्यों है। बिल्कुल, और हमारी कोशिश ये जानने की भी थी कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में आखिर टीम इंडिया लगातार खराब प्रदर्शन क्यों कर रही है। हमने ये भी जानने की कोशिश की, ये भी जानना चाहते थे कि साल 2021 में बीसीसीआई अध्यक्ष और टीम इंडिया के कैप्टन के बीच आखिर विवाद क्यों हुआ था। उस समय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रहे सौरभ गांगुली और टीम इंडिया के कप्तान रहे विराट कोहली आपस में क्यों भिड़े थे। हमारी कोशिश ये जानने की भी थी कि क्या टीम इंडिया में सब ठीक है या फिर टीम इस समय रोहित शर्मा और विराट कोहली के खेमे में बटी हुई है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए जी न्यूज की टीम बीसीसीआई की चयन समिति के चेयरमैन चेतन शर्मा से पहचान छिपा कर मिली ताकि असली सच देश के सामने आ सके। इसी को हम कह रहे हैं गेम ओवर। और अब सबसे पहले वो खुलासा जो भारतीय क्रिकेट में भूकंप ला सकता है, वो खुलासा जो टीम इंडिया के खिलाड़ियों की एक ऐसी सच्चाई आपके सामने रख देगा जिसके बारे में आपने अब से पहले नहीं सुना। ये खुलासा है फर्जी फिटनेस के खेल का। आप सोचेंगे ऐसा भी होता है क्या, हमारे स्टार खिलाड़ी ऐसा भी करते हैं, फिर रूल्स और रेगुलेशन का क्या, इतने तमाम टेस्ट होते हैं उनका क्या। ये खुलासा है इंजेक्शन वाली फिटनेस का। ये खुलासा है सुई से 100% फिटनेस हासिल करने का। मैच के दौरान कई बार आपने देखा होगा कि कई खिलाड़ी 100% फिट नहीं दिखते या लड़खड़ाते दिखते हैं। आपके मन में भी सवाल आते होंगे कि आखिर कोई खिलाड़ी अगर फिट नहीं है तो टीम में क्यों है, क्यों खिलाड़ी बड़े मुकाबलों में लड़खड़ाता दिखता है। इसका खुलासा भी खुद चेतन शर्मा ने जी मीडिया के खुफिया कैमरे पर किया है। बिल्कुल, और जी मीडिया रिपोर्टर अभिषेक कुमार के सामने चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने टीम इंडिया में फर्जी फिटनेस पर बड़ा दावा किया है। चेतन शर्मा के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम में फिटनेस के नाम पर इंजेक्शन वाला खेल चल रहा है। जी बिल्कुल प्रीति, और ये इंजेक्शन वाला जो खेल है ये खतरनाक भी है और कई सारे सवाल भी खड़ा करता है। लेकिन क्या क्या हाथ चेतन शर्मा ने, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा का दावा है कि टीम इंडिया में खिलाड़ी अनफिट होने के बावजूद कैसे अपने आप को फिट करते हैं, कैसे वो एक ऐसे इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे फिटनेस हासिल की जाती है और जो दो टेस्ट जो सबसे बड़ा टेस्ट होता है उस तक की पकड़ में नहीं आता।